हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बचपन से ही हमारे घर पे बनती आ रही है। कोस्टल क्यूजीन की बात की जाए तो फिश करी बहुत ही फेमस है और सभी को पसंद भी आती है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक रेसिपी जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। ये रेसिपी है मैंगलोरियन कोंकणी फिश करी की। ये रेसिपी मेरी मम्मी ने मेरी दादी से सीख के मुझे सिखाई है। फिश को अच्छी तरह से धो के उसे साफ कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप कोई भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैकरल, इंडियन मैकरल का इस्तेमाल किया है जिसको बांगड़ा बोलते हैं। आप ब्लैक पॉम्फ्रेट, प्रॉन्स, किसी भी फिश का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम करी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें हम फिश का स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इमली डालने से पहले इमली का जो बीज है वो निकाल लेना जरूरी है, नहीं तो आपकी करी कड़वी बन सकती है। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च ना हो तो लाल मिर्च का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, मैंने लाल मिर्चों का डंठल निकाला नहीं है, अगर आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। फिश करी बनाते वक्त कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए करी पेस्ट में हम पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर फिर भी करी थोड़ी सी थिक लगी हमें तो हम और पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। अब हम पत्थर की मदद से या फिर बेलन के मदद से त्रिफल को थोड़ा सा प्रेस करके तोड़ेंगे और इसे करी में ऐड करेंगे। त्रिफल को तोड़ के करी में ऐड करने से करी में फ्लेवर और अरोमा आ जाएगा। मछली ऐड करने से पहले करी में हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। मछली के टुकड़े हमें करी में हल्के से ऐड करना है। मछली के टुकड़े करी में ऐड करने के बाद हम स्पून का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करी में मछली पूरी तरह से डूब नहीं रही हो तो हम हैंडल की मदद से बर्तन को थोड़ा शेक कर लेंगे। मछली या फिर करी बर्तन को चिपक रही है या नहीं ये चेक करने के लिए आप स्पैचुला या फिर स्पून से हल्के से करी को मिला सकते हैं। ये करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्पैचुला या फिर हमारा चम्मच मछली को डायरेक्टली टच ना करे। सबसे आखिर में हम करी में कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे और इसे कवर करके रेस्ट करने देंगे। फ्लेम बंद करके कम से कम 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे। ये रेस्टिंग टाइम ये करी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही 15-20 मिनटों में फिश अच्छी तरह से करी के मसालों में मैरिनेट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये नई रेसिपी।